हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञानवर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रतिरोधों का संयोजन जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन पढ़े थे हमने? पहला कॉम्बिनेशन देखा था श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा देखा था समांतर क्रम संयोजन और तीसरा देखा था श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है और उस पर आधारित कुछ सवाल करे थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस जरूर करी होगी। ठीक है, तो इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो डीसी परिपथ में एक नियम होता है ओम का नियम, जो आपके एग्जाम में हर बार इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पूरा डिस्कस करेंगे कि ओम का नियम क्या होता है और ओम के नियम में अभी तक एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ओम का नियम किसने दिया था? तो ओम का नियम एक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जैसा कि आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, ओम का नियम किसने दिया था? ओम का नियम एक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ओम का नियम क्या बताता है? जैसा कि हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि तीन चीजें होती है, एक होता है विद्युत धारा, दूसरा होता है विद्युत विभव, तीसरा होता है आपका प्रतिरोध। ठीक है, तो ओम का नियम इन्हीं तीनों क्वांटिटी के बीच में एक संबंध बताता है, एक रिलेशन डेवलप करता है। जैसा कि आपके स्क्रीन में लिखा है कि जर्मन वैज्ञानिक डीसी ओम ने डीसी परिपथ में विद्युत धारा, विभवांतर तथा प्रतिरोध के बीच में एक नियम स्थापित किया। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक नियम स्थापित किया जिसे हमने क्या कहा? ओम का नियम। जिसे हमने क्या कहा बच्चों? ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या होता है वो देखते हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि ओम का नियम क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थिति, इस वर्ड को समझना, नियत तापमान एवं नियत भौतिक परिस्थिति। सबसे पहले याद रखो बच्चों कि ओम का नियम हमेशा धातुओं पर अप्लाई होता है। ओम का नियम हमेशा किस पर अप्लाई होता है? धातुओं पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ओम के नियम की कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ओम का नियम जब लगता है कब अप्लाई होता है? एक नियत तापमान एवं भौतिक परिस्थिति, मतलब उस धातु का तापमान नियत होना चाहिए और उसकी भौतिक परिस्थिति भी नियत होना चाहिए। भौतिक परिस्थिति मतलब बल हो गया, दाब हो गया, या प्राकृतिक जो आप मॉइस्चर हो गया, ये सब क्या होती है? भौतिक परिस्थिति। मतलब उस धातु पर जो दाब है वो भी नियत होना चाहिए, जो बल है वो भी क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। ठीक है, तो नियत ताप एवं नियत भौतिक परिस्थिति में किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, ध्यान देना बच्चों, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से बता रहा हूं, ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान एवं नियत भौतिक परिस्थिति, भौतिक परिस्थिति मतलब ताप दाब, ये दोनों चीज क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं इसको कांस्टेंट होना चाहिए। तो बंद डीसी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाले धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसको हम डायग्राम से समझते, समझना, ये हमारा एक प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध किस तरीके से बनाते हैं? ये आपका एक डीसी सोर्स या जिसे आप बोलते हो बैटरी या सेल। ठीक, ये हो गया आपका बंद परिपथ। ये क्या हो गया आपका? बंद परिपथ। तो जैसा कि आपको पता है कि वोल्टेज सोर्स होता है तो उसमें पॉजिटिव सिरा होता है, नेगेटिव सिरा होता है। ठीक है, प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया वोल्टेज, जिसे आप क्या बोलते हो? विद्युत विभव। इसमें से क्या निकलता है? करंट, जिसे आप क्या बोलते हो? विद्युत धारा। क्या बोलते हो? विद्युत धारा। यहां तक समझ में आ गया? अब एक बात समझना, कल हमने देखा था प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन में हमने क्या देखा था? समांतर क्रम संयोजन।
समांतर क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान असमान होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान क्या होता है? समांतर होता है। मतलब ये दोनों अभिकाय में लगे हुए देखना, इसको यदि मैं इस तरीके से बनाऊं, तो इसको इस तरीके से बना सकता हूं। देखना बच्चों, ये प्लस माइनस, ये आपका आर, ये वी, यहां से आई गया, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों आपस में क्या है? समानांतर है। ये दोनों आपस में क्या है? समानांतर है। मतलब जो विभव यहां पर होगा वही वोल्टेज यहां पर होगा, वही वोल्टेज क्या होगा बच्चों? यहां पर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि दोनों काय में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए, और समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो ओम के नियम के अनुसार बच्चों, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है समझना, ओम के नियम के अनुसार इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव, जैसे प्रतिरोध का सिरा है, ये प्रतिरोध है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभव कितना हुआ? इसके सिरों पर उत्पन्न विभव कितना हुआ? V, ठीक है। और उसमें प्रवाहित धारा, जैसे इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I, के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। तो V समानुपाती I। बात समझ में आया? ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर मतलब वोल्टेज, या हिंदी में आप उसको बोलते विभव, विभव किसके समानुपाती होगा? इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो V समानुपाती क्या हो गया? I। तो हमेशा याद रखना, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो एक कॉन्स्टेंट, एक नियतांक जोड़ना पड़ता है, एक कॉन्स्टेंट, एक नियतांक। तो बी इज इक्वल टू प्रतिरोध का समानुपाती का चिन्ह हटाया, तो एक कॉन्स्टेंट मैंने जोड़ा आर आई, तो बी इज इक्वल टू क्या होता है? आर आई। बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आर आई, ठीक है। जहां आर क्या है? एक नियतांक है। जहां आर क्या है? एक नियतांक है, नियतांक, जिसे हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्स्टेंट। तो आर क्या है इसमें? एक कॉन्स्टेंट। तो यही होता है V इज इक्वल टू आर आई, आपका ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इसका प्रतिपादन किया था। उसने किसके बीच में संबंध उत्पन्न किया था? विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध। तो ये हो गया आपका विद्युत धारा, ये हो गया आपका विभवांतर, और ये हो गया आपका प्रतिरोध। तो इसने तीनों के बीच में एक संबंध निकाल के दिया, ठीक। इसके बाद ओम का नियम क्या कहता है कि नियत ताप और नियत भौतिक परिस्थिति दोनों क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यदि दोनों नियत और दोनों कांस्टेंट है, तो इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसमें प्रभावित होने वाली धारा की क्या होगा? समानुपाती। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाया तो नियतांक आता है, जिसे हमने कहा आर। इसी आर को आप क्या कहते हो? प्रतिरोध। इसी आर को आप क्या कहते हो? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। यहां तक समझ में आया? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम क्यों रखा? क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? ओम नामक साइंटिस्ट ने, जॉर्ज साइमन ओम नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका मात्रक क्या रखा गया? ओम। यहां तक समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं कि इस V और I के बीच में ग्राफ कैसे बनता है। ये V और I के बीच में एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ आप किस तरीके से बनाओगे, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं कि इस V और I के बीच में ग्राफ कैसा बनता है। V और I के बीच में ग्राफ कैसा बनता है, तो समझना, V मतलब क्या होता है आपका? विभव। विभव को हमने कौन से एक्सिस पे लिया है? Y एक्सिस। दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक होता है Y एक्सिस, एक होता है X एक्सिस। तो विभव मतलब वोल्टेज, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसको हमने कौन से एक्सिस पे लिया है? Y एक्सिस। I, I मतलब क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। इसको हमने कौन से एक्सिस पे लिया है? X एक्सिस पे लिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ओम का नियम क्या कहता है कि प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, इसमें प्रभावित होने वाले धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। तो कभी भी दो चीजें समानुपाती में हो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, कभी भी दो चीजें समानुपाती में हो
तो उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी सरल रेखा बनती है, सीधी सरल रेखा, ठीक है, सीधी सरल रेखा बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ओम के नियम का ग्राफ कैसा बनता है या बीआई ग्राफ कैसा बनता है, तो एक सीधी सरल रेखा बनती है या फिर इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जब दो क्वांटिटी समानुपाती में होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं, तो उनका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सीधी सरल रेखा बनेगी। यहां तक क्लियर हो गया कि ओम का नियम क्या होता है और इसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ओम के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। देखिए, अब हम ये देखते हैं कि ओम का नियम का उपयोग आप कहां पर करोगे या कहां पर इसका उपयोग होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, या फिर हम बोल सकते हैं अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब इसका उपयोग क्या होता है। तो बच्चों याद रखना हमेशा कि ओम का नियम डीसी परिपथ में विद्युत धारा, विद्युत विभव या प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैसे, समझो, जैसे V इज इक्वल टू क्या होता है आपका, R इंटू आई। V इज इक्वल टू आपका क्या होता है, R इंटू आई। अब इसका यूज कैसे करोगे, तो आपको डीसी परिपथ में वोल्टेज देके रख देगा, करंट देके रख देगा, तो आपसे प्रतिरोध पूछेगा, ठीक है, या फिर वोल्टेज देके रखेगा, प्रतिरोध देके रखेगा, आपसे विद्युत धारा पूछेगा, और क्या क्या पूछ सकता है, आई देके रखेगा, मतलब विद्युत धारा देके रखेगा, रेजिस्टेंस देके रखेगा, और आपसे क्या पूछेगा, वोल्टेज पूछेगा। तो इन तीनों को आप इस तरीके से निकाल सकते हो, इस ओम्स लॉ की सहायता से आप निकाल सकते हो, क्योंकि ओम्स लॉ इन तीनों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर वही लिखा है, देखो क्या लिखा है, ओम का नियम का प्रयोग डीसी परिपथ में विद्युत धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध को निकालने के लिए या उनका मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद ये हमेशा याद रखना कि ओम का नियम हमेशा धातुओं पर अप्लाई होता है, मतलब धात्विक चीजों पर अप्लाई होता है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब पर आपका ओम का नियम अप्लाई होगा। अधातु या सेमीकंडक्टर, जिसे आप अर्धचालक कहते हो, इन पर ओम का नियम अप्लाई नहीं होता। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ओम का नियम केवल और केवल धातुओं पर अप्लाई होगा, धात्विक चीजों पर अप्लाई होगा। धात्विक चीजें क्या होती है, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि। क्लियर हो गया? तो ओम का नियम का उपयोग कहां का होता है आपको पता चल गया। अब इस पर परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आए या न्यूमेरिकल आए वो चीज देखते हैं। चलिए देखिए, पहला एक बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में से, यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में से 2.5 एम्पियर मान की विद्युत धारा प्रभावित की जाए, तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कैसा भी न्यूमेरिकल आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, इसमें क्या क्या देके रखा है आप उन चीजों को लिख लो। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या देके रखा है उन चीजों को लिखो। जैसे 20 ओम, तो 20 ओम का मतलब क्या होता है, आर की वैल्यू कितना देके रखा है, 20 ओम, ठीक है। 2.5 एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, 2.5 एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट होती है बच्चों, एम्पियर विद्युत धारा करंट की यूनिट होती है, करंट को प्रदर्शित कैसे करते हैं, आई से। तो आई की वैल्यू कितनी देके रखी है, 2.5 एम्पियर। क्लियर है? आपसे क्या पूछा उसने, उसमें उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान, विभवांतर मतलब वोल्टेज V, तो V का मान पूछा है आपसे, V का क्या पूछा है, मान पूछा है। तो इन तीनों के बीच में संबंध कौन बताता है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। तो V ऐसा का ऐसा, R की वैल्यू कितनी है, 20, I की वैल्यू कितनी है,
2.5, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 25 दुनी 50, तो बी की वैल्यू कितनी आई, 50, 50 इसका आंसर है क्या, आंसर तो है, लेकिन हमेशा इसका मात्रक लिखना जरूरी है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना है, 50 वोल्ट। जैसे प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, सेम इसी तरीके से वोल्टेज का मात्रक क्या है, वोल्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 50 वोल्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, एक बार इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं बता दो आप इसको कैसे जल्दी सॉल्व करोगे। फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है क्वेश्चन देखिए। एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट की बैटरी से प्रचलित की जाती है। जो बच्चों की छोटी कार आती है उसमें आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो जो मोटर है वो 6 वोल्ट से चलती है, ठीक है। यदि मोटर की वाइंडिंग का प्रतिरोध, तो आपको पता है कि हर मोटर में वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग का मतलब अपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन की भाषा में होता है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। कोई सा भी वाइंडिंग हो उसका अपना खुद का एक क्या होगा, प्रतिरोध होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। तो उसका प्रतिरोध कितना देखे रखा है बच्चों, 4.5 ओम, 4.5 ओम उसका प्रतिरोध देखे रखा है। तो वो तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। विद्युत धारा का मान मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट का मान पूछ रहा है। तो मैंने आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, कभी भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल करना हो तो सबसे पहले जो देके रखा है वो लिखो। क्या क्या देके रखा है, 6 वोल्ट की बैटरी, तो 6 वोल्ट मतलब विभवांतर कितना देके रखा है, 6 वोल्ट। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर कितना देके रखा है, 4.5 ओम। क्या निकालना है, विद्युत धारा मतलब करंट, तो तीनों के बीच में रिलेशन कौन डेवलप करता है, कौन करेगा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या था, वी इज इक्वल टू आर आई, वी का मान कितना है, 6, आर का मान कितना है, 4.5, आई का मान आपको निकालना है। तो देखना ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, 6 ऐसा का ऐसा, पॉइंट हटाओगे तो 45/10 इंटू आई, 5 × 45, 5 × 10, ठीक है, 2 का गुणा यहाँ पर होगा, तो 6 × 12 बराबर 9 आई, ठीक है, तो आई बराबर कितना होगा, 12/9, 12/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 9, 9 × 9 कितना आएगा, कितना आएगा, 12 में से 9 गए 3, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, पॉइंट लगा के 0 लगाया, ठीक है, 9 × 27, 9 × 27, तो इसका आंसर कितना आया, 1.3 एम्पियर। ये और भी आगे जा सकता है तो हमने इसको यहीं पर होल्ड कर दिया। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन में जो ऑप्शन देके रखेगा उससे डिसाइड करेंगे कि इसका मान हमको कहां तक निकालना है। तो अभी इसका आंसर कितना आया, 1.3 एम्पियर। एम्पियर क्यों लिखा, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है पढ़िए एक बार। एक जब एक विद्युत हीटर, हीटर सबने देखा है, ठीक है, जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वह 7.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक हीटर को सॉकेट पे लगाते हो तो सॉकेट में 230 वोल्ट आता है, ठीक है, आपके घर की सप्लाई कितनी रहती है बच्चों, 230 वोल्ट, तो सॉकेट में 230 वोल्ट आता है, तो हीटर कितने एम्पियर का करंट ले रहा है, उसमें 7.5 एम्पियर का करंट ले रहा है। तो आपको उस जो हीटर में जो आपके एलिमेंट रखा रहता है, ठीक है, आपके हीटर में जो एलिमेंट रखा रहता है उस एलिमेंट का प्रतिरोध पूछा है, ठीक है, उसमें जो वायर लगा रहता है ना हीटर में, गर्म होके लाल हो जाता है जो, तो आपसे उसका प्रतिरोध पूछा। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो उसका खुद का एक प्रतिरोध होता है, कोई भी मेटल हो उसका खुद का एक क्या होता है,
प्रतिरोध होता है। तो सेम चीज वो वह यही बोल रहा है कि उस हीटर में जो स्प्रिंग लगी है, वो स्प्रिंग भी एक तरीके की धातु है, तो उस धातु का प्रतिरोध क्या होगा। तो समझना क्वेश्चन में क्या क्या देके रखा है, V का मान देके रखा है, तो V बराबर कितना है 230 वोल्ट, I कितना एम्पियर करंट लेता है 7.5 एम्पियर करंट लेता है, R का मान पूछा है, तो कैसे निकालोगे, तीनों के बीच में संबंध कौन बताता है, ओम का नियम, तो V इक्वल टू R I, तो V का मान कितना है 230 बराबर R इज इट इज, I का मान कितना है 7.5, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आया 0, ठीक है। चलो 5 से काटते, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, क्लियर हो गया। चलो फिर से 5 से काटो, 5 चौका 20, 5 छक्की 30, 5 तिया 15, 5 तिया 15, अब नहीं कट रहा है तो 2 का यहाँ पर गुणा होगा, तो R बराबर 46 इंटू 2, 6 दूनी 12 का 2 असिलाए 1, 4 दूनी 8 और 1 92 बटे 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखना, 3 से काटो इसको, R बराबर 3 तिया 9, ठीक है, 2 उतारा भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया कितना 0, ठीक है, फिर 3 6 18, तो 3.6 ओम, 3.6, देखना यहां पर मिस्टेक कर रहे हैं अपन, अपन क्या कर रहे हैं, 3 दिया 9 ऐसा का ऐसा, अब 2 उतारा भाग नहीं जाता तो 0, भाग नहीं जाएगा, 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, तो 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगाया, पॉइंट लगा के फिर एक 0 आ गया 20, तो 3 6 18, ठीक है, तो 30.6 ओम इसका क्या आ जाएगा उत्तर, 30.6 ओम इसका क्या आ जाएगा बच्चों उत्तर। तो उस हीटर का प्रतिरोध कितना है 30.6 ओम, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ओम के नियम पर अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए आ चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। तो इस लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक आप पूरा देखिए, कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, ओके, थैंक यू।